देवबंद की जामा मस्जिद पर 75 सालों में पहली बार फहराया गया तिरंगा। बीजेपी विधायक ने देवबंद में फहराया तिरंगा, लिखा गया बहुत बड़ा इतिहास। क्या ये योगी आदित्यनाथ राज में संभव हुआ या कोई और कहानी? कभी बीजेपी के नेता मिनी पाकिस्तान कहते थे तो वहां देशभक्ति कैसे दिखी? सहारनपुर के देवबंद नगर को मुसलमानों का गढ़ कहा जाता है, फतहों का शहर कहा जाता है, लेकिन यहां आज एक नया इतिहास लिखा गया। देवबंद क्षेत्र के मानकी गांव की जामा मस्जिद पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। तिरंगा भी ऐसा जिसे कई किलोमीटर तक दूर से देखा जा सकता हो। तिरंगा फहराया बीजेपी के विधायक ने और गूंज उठा वंदे मातरम। देवबंद जहां सिर्फ धर्म पर होती थी बातें, 51 फीट का तिरंगा लहराया तो लोगों के सवालों के जवाब मिल गए। देवबंद का मुस्लिम बाहुल्य गांव मानकी ने राष्ट्रवाद की नई इबारत लिखी। स्वतंत्रता दिवस पर गांव की जामा मस्जिद परिसर में पहली बार 51 फीट की ऊंचाई पे तिरंगा लहराया। बीजेपी विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह ने ध्वजारोहण किया तो झूठ से लिखे इतिहास के पन्ने बिखर गए। 2017 के चुनाव में देवबंद से बीजेपी के विधायक को जनता ने चुना था। भारत की सभी राजनीतिक पार्टी चौंक गई थी, लेकिन अब योगी राज में ये तस्वीरें देखिए। मस्जिद के बाहर तिरंगा फहराया गया, फहराया बीजेपी के विधायक ने और समाज से गूंज उठा चारों तरफ वंदे मातरम का नारा। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, भक्ति भी है और देशभक्ति भी। ये तस्वीरें सहारनपुर के उस इलाके की हैं जिसे इल्म नगरी कहा जाता है। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद यहाँ वो इतिहास लिखा गया जो इतिहास 75 सालों में नहीं लिखा गया था। कभी बीजेपी के नेता इस गांव और इस क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान कहते थे, फिर अचानक क्या हुआ कि बीजेपी विधायक ने तिरंगा फहरा दिया? क्या योगी आदित्यनाथ की वजह से ऐसा हुआ या बात कोई और है? इसके पीछे एक कारण है और वो कारण है विकास। विकास के कारण मुसलमानों और इस गांव के आसपास रह रहे हिंदुओं की सोच बदल गई। यूपी के पश्चिम इलाके में लंबे वक्त से योगी सरकार में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ तो भाईचारा बना रहा। गांव के प्रधान मामूर हसन की कोशिशों ने वो कर दिया जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ की सरकार में यहाँ के मुसलमानों को डराया नहीं बल्कि भरोसे के साथ उनके लिए हाथ आगे बढ़ाया गया। और फिर देखिए वो हो गया जो कभी होना ही नहीं था। 75 सालों के इतिहास में पहली बार इस जामा मस्जिद पर तिरंगे फहराए गए। अब आपको बताते हैं देवबंद के बारे में, वो हिस्सा जिसके बारे में बीजेपी के नेता बहुत कुछ अलग अलग बार बोलते हैं, लेकिन इस बार की ये तस्वीरें देखकर शायद उनको मुसलमानों की देशभक्ति का जवाब मिल गया होगा। अब मुसलमान कैसे हैं ये आप देख चुके हैं। देशभक्ति की अटूट कहानी उसी देवबंद में लिखी गई जहां बीजेपी के नेता कभी मिनी पाकिस्तान कहा करते थे। इसीलिए आज तो बोलना ही चाहिए जय हिंद। सहारनपुर से ग्लोबल भारत टीवी के लिए सुहेल गौर की रिपोर्ट।